हेलो दोस्तों नमस्कार बैठ शिवम कुमार मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छा केस लेकर आया हूं बेहद बेहतरीन केस है ये ये लवारों में सबसे ज़्यादा होता है ये लवारे के टूड़ पकते हैं लवारे का टूड़ है केस है ये तो इसको कैसे कैसे करना होता है क्या क्या दवाई लगानी होती है मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊं आपको कि कोई भी लवारा हो उसके टूण पक जाता है ये कच्चा छूटने के कारण भी पक जाता है कोई चीज लगने की वजह से भी पक जाता है तो ये सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है डायग्नोसिस करना होता है कि ये कभी कभी आंत भी फूल आती है एक हारनीय आंत होती है तो वो आंत भी फूल आती है आंत भी फूल जाती है इस वजह से हमें ध्यान से सही तरीके से डायग्नोसिस करना होता है लवारे का ये देखें कि एकदम चीरा ना लगाएं दूसरी बात यह है कि एकदम चीरा ना लगाएं उसको सबसे पहले सुमह की कोई डिब्बी हो आती है सोमह की डिब्बी आती है सोमा के नाम से मार्केट में उस डिब्बी को लगाएं और यह वो डिब्बी ऐसी होती है अगर पकाने का होता है तो पका देती है अगर बैठाने का होता है तो बैठा देती है वो डिब्बी ऐसी होती है ये देखिए ये सूमह की डिब्बी लगाई इसको पका दिया है तो जितना भी पशी मवाद भरी हुई होगी इसमें इसके अंदर वो सब बाद में चीरा के थ्रू द्वारा निकाल देंगे कोई भी दवाई लगाए से पहले पकाने के लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा पस बन गया तो वरना बैठना ये सोमा की डिब्बी बैठा भी देती है और फिर पका भी देती है उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट करें जब ये पक जाए तो सारा पस निकालने बाद में बीटरिन की हम पट्टी भर सकते हैं और इंजेक्शन लगा सकते हैं हम मैग्लोडाइन इंजेक्शन लगाएँ और बाकी और इंजेक्शन लगाएं तो मेग्लोडाइन तो ज़रूर लगाएं और ये टैक्सीम इंजेक्शन लगा सकते हैं सेप्टोजन सल्बेक्टम में टैक्सीम इंजेक्शन लगा सकते हैं नवारे को सबसे अच्छा रिजल्ट आता है ये इसमें ये टूर्ण का सबसे बड़ा ध्यान ये रखना होता है कि हम हमारे थ्रू कोई भी डॉक्टर के थ्रू ये हॉर्नी आँत ना कट जाए हार्नी आँत कट जाती है तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना होता है मैं ये वीडियो आपके सामने नॉलेज के तौर पर लेकर आया हूँ